यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बलिया में स्वपोषित महाविद्यालयों में शुल्क वृद्धि यानी फीस की वृद्धि का मामला जो है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बलिया के जो महाविद्यालय हैं, जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बेतहाशा फीस वृद्धि का मामला अब यहां तक आ गया है कि विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव इस कॉलेज में नियमों की बात करते हुए महाविद्यालय के प्रबंधकों पर ही आरोप लगा रहे हैं। कुलपति ने कहा है कि कुछ लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार की नीतियों के हिसाब से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और नकल विहीन परीक्षा, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए छात्रहित के सारे फैसले किए हैं। वहीं जब कुल सचिव से प्रबंधकों ने ज्ञापन देने की बात कही तो उन्होंने इसे झूठ बताया और कहा कि कुलपति को ही निर्णय लेना है, हमें कोई ज्ञापन नहीं दिया गया। प्रायोजित शुल्क विषय लेने का निर्णय विश्वविद्यालय की समिति का है, कोई शुल्क नहीं बढ़ाया गया है। उनको पता था कि सचिव ने बताया कि इनके पास शिक्षक नहीं है, ये भी एक मुद्दा है, ना इन्होंने कोई शिक्षक डाटा ऑनलाइन किया है। पढ़ाई लिखाई भी बाधित हो रही है शिक्षकों की कमी की वजह से और ये पूर्व विद्यालय से संबंध है। शिक्षक डेटा का कागजी कार्रवाई पर तो पूरा कर लिया गया है लेकिन मौके पर शिक्षक नहीं है। आपको बता दें कि ये मामला विश्वविद्यालय और स्वपोषित महाविद्यालयों के बीच आरोप प्रत्यारोप का चल रहा है। अब दोषी कौन है और किस कौन सही है, कौन गलत है, ये जांच का विषय है। बहरहाल नुकसान तो छात्रों का हो रहा है जिन्हें ये बढ़े हुए पैसे देने हैं। मैं आया था, स्वस्थ होने के नाते आज तो मैं नहीं आने वाला था, लेकिन अध्यक्ष जी जान